YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब। मैं अब्दुल रहमान दिल्ली एथिक सिंह से आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज हमारे साथ में एक फौजी सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर से मेरे पास में आए हैं और अभी ये ड्यूटी से मेरे पास आ रहे हैं। अभी इनको घर जाना है तो मेरे पास हेयर पैच के लिए आए। आप देख सकते हैं पूरा इनका हेयर फॉल हो चुका है एकदम। तो कुछ हमारे YouTube फैमिली से कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल सर। हेलो दोस्तों, मैं बी डी करण इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अब्दुल रहमान भाई का जो उन्होंने अच्छे वीडियो बनाया। तो इनको वीडियो देख के यूट्यूब में तो मैं यहाँ आया हूँ उनका एड्रेस पूछ के आज, क्योंकि मैं भी काफ़ी दुखी था इसके इफेक्ट एरिया को लेकर। तो जैसे मेरे फौजी भाई और कुछ डिफेंस में सर्विस करते वो भी दुखी हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है ताकि भाई दुखी ना हो। भाई के पास आइए, इनका काम देखिए। और भाई कोई अंकल बोले तो ये घबराए मत, कोई नहीं अंकल बोलेगा आपको। आप देखिए पूरा यंग बन जाइए यहाँ आके। थैंक यू। क्लिपिंग पैच है सर। अभी हेयर पैच लगाने के बाद में अभी कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? अभी मेरे को अपने कॉलेज वाले दिन याद आ रहे हैं। तो अभी आपको बिल्कुल पुराने दिन आपके जो कॉलेज में जो आप मतलब थोड़ा घूम फिर करते थे तो अभी आपको याद आने लगे हैं? बिल्कुल। तो आपका मतलब दोबारा लुक आ गया है वापसी जो आपका चला गया था? जी जी। ठीक है, तो यूट्यूब फैमिली से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ आइए हमारे ये भाईजान के पास। और इनका काम मैंने देखा है, आपने भी देखा मेरे को कैसे पहले शक्ल था, अंकल जैसा लग रहा था, अभी तो लग रहा है हैंडसम। तो आप भी आइए हैंडसम बन के जाइए। और ये अपना ये मिनोक्सिडिल के चक्कर में मत पड़िए और ना ही ये अपने हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, मिनोक्सिडिल और मिनटॉप आपने काफ़ी यूज़ कर रखी है? हाँ जी काफ़ी, उसमें काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है और काफ़ी पैसा भी बर्बाद होता है, कोई फायदा नहीं है। वो छोड़ने के बाद में फिर दोबारा बाल जाने जैसे हो जाता है छोड़ने के बाद फिर भी। चलिए, और हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा है कि भाई 1-1.5 लाख रुपया लग जाता है, इतना नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए वो सब मतलब झंझट छोड़िए और यहाँ आके मेरे जैसे हेयर पे चलाइए और खुश हो जाइए। ओके।